माइनिंग माफिया दी तोड़ी कमर, सरकारी खजाने ते वड्डा असर, मान सरकार ने चुकिया वड्डा कदम, माइनिंग माफिया दी खेड किती खत्म, जो माइनिंग माफिया दा खेड रहे सी खेल, सरकार दा सुपना सारिया नू भेजना जेल। हुणे सरकार दा सुपना ही नहीं रहा सगों हकीकत बन रहा। मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली पंजाब सरकार लगातार नाजायज माइनिंग खिलाफ एक्शन ते एक्शन ले रही है। सत्ता विच आउण तो पहला आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिवें ही पंजाब के लोगों के नाल वादा किया सी कि पंजाब नूं माइनिंग माफिया तो निजात दवाउणगे अते जो पैसा माफिया की जेबां विच जांदा उसनूं सरकार के खजाने विच पा के पंजाब नूं मुड़ तो रंगला पंजाब बनाउणगे। तो उस वादे तहत अते अरविंद केजरीवाल वालों विखाए राह ते चलदियां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता विच आउंदे ही वादे ते काम करना शुरू कर दिता तां जो लोकां नूं सस्ती रेत भी मिल सके अते माफिया दियां जेबां भरन दी थां ओह पैसा पंजाब दे खजाने विच भरे। सरकार दी साफ नीयत अते पारदर्शी नीति दा ही नतीजा है कि सरकार दे एक्शन तो बाद हुण पंजाब विचों गैर कानूनी माइनिंग दा काला कारोबार खत्म हो गया अते माइनिंग माफिया दी कमर तोड़ के हुण जायज माइनिंग ने पंजाब विच रिकॉर्ड कायम किया। सत श्री अकाल जी। एक कट्टर ईमानदार सरकार की कर सकती है, इसकी मिसाल भगवंत मान जी की सरकार है। जो आप गल माइनिंग की करते चाहे जिंद मर्जी सरकार रही हो पर उस इस धंधे के एक माफिया का दबदबा रहा। यह पहली बारी है इस बारी कट्टर ईमानदार सरकार आई है। साढ़े मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने मैनू ये जिम्मेदारी दी तो असी दिन रात मेहनत करके इलीगल माइनिंग पंजाब चो खत्म कर दिती है। बतौर माइनिंग मिनिस्टर मैं दावे नाल कह सकदा कि पंजाब दे विचों इलीगल माइनिंग खत्म हो चुकी है। जिथे भी कभी भी कोई इलीगल माइनिंग की कंप्लेंट आती है फॉरन एक्शन होंदा FIR होंदी है तो मामला दर्ज किया तो किसी के नाल कोई भेदभाव नहीं। इस दे नाल ही जिहड़ा लीगल माइनिंग है उस दे विच भारी इजाफा होया। पिछले साल मई महीने के मुकाबले इस बार 18 लाख मीट्रिक टन जायज माइनिंग हुई जिस नाल सरकार के खजाने विच वाधा होया। महज 2 महीने की सरकार दे जेकर मई महीने की जायज माइनिंग के आंकड़ों पर नज़र मारी जाए तो आंकड़े बेहद हैरान करन वाले ने। पिछली सरकार विच साल 2021 विच मई महीने विच 8 लाख मीट्रिक टन माइनिंग की गई सी पर इस साल 18.5 लाख मीट्रिक टन माइनिंग की गई है जो कि दुगने तो भी वध है। मई महीने का आंकड़ा साल माइनिंग सब HDR 2021 विच 8 लाख मीट्रिक टन 2022 दे विच 18.5 लाख मीट्रिक टन। ते होर चौंकाने वाली आंकड़ा है पिछले साल मई महीने सिर्फ 8 लाख मैट्रिक टन लीगल माइनिंग हुई तो इस साल मई महीने असी ऑलरेडी 18.5 लाख मैट्रिक टन पार कर चुके हैं जो कि 2 गुणा तो भी ज़्यादा है। इसका मतलब साफ है कि पिछलिया सरकार इलीगल माइनिंग करांदियां सी ते उस दे नाल पंजाब सरकार के खजाने नूं जिहड़ा है उहदे च चोरी हुई एक माफिया चलदा सीगा। एक कट्टर ईमानदार सरकार है साढ़े माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का आदेश है। उस दे तहत सारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके एक कारनामा करके दिखाया। हालांकि ये मान सरकार दी साफ नीयत का ही नतीजा है कि पिछले साल 7 ब्लॉकों विचों 6 ब्लॉक चल रहे सन पर हुण सिर्फ 4 ब्लॉक ही चल रहे हैं पर फिर भी जायज माइनिंग राही कमाई 2.5 गुणा तो ही ज्यादा हुई है। जेकर असी आंकड़ों पर नज़र मारीे ब्लॉक 1 विच मई 2021 विच 2314 मीट्रिक टन कानूनी माइनिंग हुई जबकि इस साल 126112 मीट्रिक टन कानूनी माइनिंग हुई। ब्लॉक 2 विच 2021 विच 80255 मीट्रिक टन दी कानूनी माइनिंग की गई सी जदों कि मई 2022 दे विच 3,40,01,592 मीट्रिक टन कानूनी तौर पर माइनिंग की गई। हालांकि 2021 विच ब्लॉक 4 विच 38,526 मीट्रिक टन माइनिंग की गई सी जबकि 2022 विच 31,509 मीट्रिक टन माइनिंग की गई। अते जेकर ब्लॉक 6 की गल करिए मई 2021 विच 3,57,185,000 मीट्रिक टन कानूनी तौर पर माइनिंग की गई सी जदों कि इस साल यह आंकड़ा 4,08,029 मीट्रिक टन रहा। ब्लॉक 1 मई 2021 दे विच
2314 ते मई 2022 1,26,112 मीट्रिक टन। ब्लॉक 2 मई 2021 80,255 ते मई 2022 3,40,01,591 मीट्रिक टन। ब्लॉक 4 दे विच मई 2021 38,526 ते मई 2022 31,509 मीट्रिक टन। ब्लॉक 6 मई 2021 3,57,185 ते मई 2022 4,08,029 मीट्रिक टन। पिछले साल 7 दे विचों 6 ब्लॉक चलते सी, इस साल 7 दे विचों सिर्फ 4 ब्लॉक चल रहे हैं, तां भी लीगल माइनिंग 2.5 गुणा तो वध गई है। रोपड़ जो इलीगल माइनिंग का गढ़ रहा, पिछले साल मई महीने दे विच कागजां दे विच सिर्फ 20,000 मैट्रिक टन उत्थों माइनिंग दिखाई गई, जबकि रोज़ाना पिछले साल हमेशा अकेले असीं उत्थे इलैक्शन लड़े देखिया किवें रोज़ाना सैकड़े हज़ारां की तादाद टिप्पर निकलते सी। इस साल रोपड़ ब्लॉक के 1,60,000 मैट्रिक टन, 8 गुणा लीगल माइनिंग वड्डी, 8 गुणा। साडा दावा है कि असी इलीगल माइनिंग माफिया के उत्ते टोटल उसकी जी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। पंजाब दे विच जिहड़ा भी टिप्पर जिहड़ा भी ट्रक रेता लैके चल रहा उहदे कोल लीगल स्लिप है। पंजाब दे विच जिन्ने भी माइनिंग डिपार्टमेंट के भ्रिष्ट अधिकारी सी उहनां नूं सस्पेंड कर दिता गया। जेकर नीयत साफ होवे ते नीति पारदर्शी होवे तां कदे वी किसी किस्म के माफिया नूं जड़ों खत्म किया जा सकता है। अते वादे मुताबक पंजाब दे लोकां दी अपनी भगवंत मान सरकार है जो कि हर मुद्दे ते साफ नीयत अते चंगी नीति नाल काम करती है। इसे दा ही नतीजा है कि हुण सूबे विच गैर कानूनी धंधा करन वालियां ते शिकंजा कसिया जा रहा। सरकार दे कदमां कारण ना सिर्फ कानूनी माइनिंग दा आंकड़ा वध्या, सगो सरकार इस गल ते भी काम कर रही है कि किवें लोकां नूं रेत सस्ती मिल सके, अते जल्द ही सरकार वल्लों नवीं माइनिंग नीति लियांदी जा रही है जिस विच ना सिर्फ गैर कानूनी माइनिंग करन वालियां नूं सख्त सज़ा दित्ती जाएगी बल्कि आम लोकां नूं भी रेता सस्ता मिल सके यकीनी बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।